सोलन नगर परिषद ने करीबन 95 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। गौरतलब रहे कि यह बजट मोमबत्ती की रोशनी में पारित किया गया और सोलन शहर के विकास की इबारत अंधेरे में लिखी गई, जिसका कारण शहर में लगातार कट का लगना है। बजट में नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सोलन वासियों को अब दो पानी के कनेक्शन मिल सकेंगे, लेकिन फ्लैट मालिकों को केवल एक कनेक्शन ही मिल पाएगा। वहीं नए कूड़ेदान खरीदने की बात की गई, लेकिन कुछ पार्षदों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने आपत्ति जताई कि बिना किसी अनुमति के पुराने कूड़ेदान बेचे गए हैं, जिस पर पार्षदों ने जांच की मांग की है। वहीं इस मौके पर उन लोगों के पानी के कनेक्शन काटने के लिए निर्णय लिए गए जो पिछले कई वर्षों से पानी के बिल का भुगतान नहीं कर रहे। वहीं शहर में बिना अनुमति के लगे टावरों को गिराने का निर्णय लिया गया। अधिक जानकारी देते हुए सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस बार करीबन 95 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जिसमें नगर परिषद के 93 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्चे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नगर परिषद सोलन शहर में कई पार्किंग का निर्माण करेगी और पार्कों की हालत को सुधारेगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की मुख्य आमदनी का माध्यम पार्किंग, हाउस टैक्स और दुकानों से आने वाला किराया रहेगा। बजटीय बैठक थी जिसमें 2019-2020 के लिए बजट का प्रावधान किया गया है और नगर परिषद ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट पास किया गया है वो नगर परिषद का टोटल बजट जो है वो 95,20,50,000 का है, जो कि नगर परिषद इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में खर्च करेगी। और जो इनकम जो दिखाई गई है वो 95,20,50,000 के करीब दिखाई गई है और जो टोटल खर्चे होंगे वो 93,23,99,530 रुपये के लगभग है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नगर पालिका का आने वाले समय में फोकस रहेगा वो ज़्यादा पार्किंग पर रहेगा और पार्किंग के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसी प्रकार पार्क निर्माण और पार्कों का सौंदर्य रखने के लिए अलग से 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार नालियों को ढकने के लिए 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है और सड़कों रास्तों के लिए 3,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इस आने वाले समय में हमारे जो इनकम है वो मैक्सिमम पार्किंग से, हाउस टैक्स से, रेंट से और पानी के बिलों से होगी और जो मैक्सिमम इनकम है हमें वो हाउस टैक्स से जो 2.5 से 3 करोड़ के लगभग अनुमानित है। इस प्रकार जो हमारा टोटल बजट है वो विकास की गति को थोड़ा बढ़ाएगा,